तो गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन नया ब्लॉग और नया शहर। और आज नया शहर है हमारा चंडीगढ़ में पहुंचे अभी हम, एंड यहां से हम घर के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारा सारा सफर मतलब ट्रेन में ही होगा। तो अभी हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो चुकी है, मतलब 2 घंटे लेट है ट्रेन। एंड देखते हैं 2 घंटे यहाँ पे क्या करना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में, फिर उसके बाद हम सीधा निकलेंगे और अब के लिए, और हम से फिर लेंगे अपने घर को ट्रेन। तो देख ही सकते हो, और मैं अभी उठा और चलता हूँ। तो एसी स्लीपर सबसे बेस्ट स्लीपर है गाइस, मज़ा आ गया, मतलब नींद भी अच्छी आई और सब कुछ ठीक था। और चलते हैं आगे, फिर बैठते थोड़ी देर, टाइम पास करते हैं एंड फिर निकलते हैं अपने घरों के लिए। तो आगे कुछ होता तो मैं बताता हूँ आपको, एंड मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस यहाँ पे हमें कोई 3 घंटे हो गए बैठे हुए और ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन डिले होगी भाई, 3 घंटे डिले हो गई है। और ऐसे बैठे हमने सोचा था कि 12 बजे तक पहुँच ही जाएंगे हम रेलवे स्टेशन में, बट ट्रेन ही नहीं आई गाइस। 8 बजे यहाँ से ट्रेन थी बट लेट होगी। भाई ट्रेन कब आएगी? अभी तो बता रहे हैं। लेट है, तुम खज्जड़ हो गए हो। हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट है, बस 5 मिनट में आ जाएगी। ये तो दूसरी है, ये नहीं जा रही है, 2 मिनट रुकेगी, ज्यादा नहीं, ये नहीं जा रही अभी। कोई बात नहीं, हमारी साबरमती है। चल फिर तेरे को पता ही लगेगा टाइम का। नहीं यार चलो फिर, चलो 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 घूमाते हैं फिर ऐसे। ओ बाबा बापे मस्ती में इस टाइम। हेलो गाइस, हम हमारी फ्रेंड आ नहीं है, तो आप सभी लोगों को एक ही मैं सलाह देना चाहूँगी, आप कभी ट्रेन में ट्रेवल ना करें, भूल के भी नहीं। बस हो गया, दिल की बात है। जब मजा आने लगा तब हम वापस आ गए, और पहले हमें जाते जाते थोड़ा उभरने में टाइम लग गया, पूरे फ्रेश हो गए कि नहीं ठीक है, तब आने का टाइम हो गया, वो छोटा ट्रिप था गाइस। और तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, तुमने अगर ट्रिप प्लान करना हो तो आस पास का करना जिसमें तुम्हें घूमने के लिए ज़्यादा टाइम मिले और ट्रैवल कम मिले, क्योंकि हम ट्रैवल में ही मारे गए। बताओ भाई, एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। हम 2 घंटे से 3 घंटे होने वाले हम ट्रेन आ ही नहीं रही है, हमारी ट्रेन लेट है आज। महक खजड़ लग रही है, महक देखो गाइस, अभी मेरे को लगी थी भूख और अभी मैं खा रहा हूँ मैगी। तो ये इंस्टेंट नूडल्स हैं, अभी मैंने मतलब भूख लगी थी बड़ी ज़ोर से, मैंने ले लेता हूँ, तो इंस्टेंट नूडल्स खा रहा हूँ। और ट्रेन बस आने वाली 5 मिनट में एक ट्रेन आई, मेरे को लगा कि यही आ गई और हम इसी में बैठे पड़े थे, बट दूसरी ट्रेन थी साबरमती। और भाई खाई लिया, भाई खाई लिया, सूप ही बचिया, सूप ही बचिया। गाइस अभी अनाउंसमेंट हुई और हमारी ट्रेन आ रही है, 20 मिनट में पहुंच जाएगी यहाँ पे, अभी अनाउंसमेंट हुई। और ट्रेन का नंबर भी बता दिया गया और ये बता दिया गया कि ट्रेन आने वाली है, तो रेडी हो जाते हैं, ट्रेन आती है फिर देखते हैं। और गाइस बोर हो गया, 3 घंटे का सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से निकाले 3-4 घंटे जो भी थे। सो फाइनली गाइस साबरमती ट्रेन आ चुकी है, यू ये 5.5 घंटे लेट है गाइस ये गाड़ी, 5.5 परेशान हो गए इधर बैठ बैठ के, खुशियाँ देखो। फाइनली गाइस अभी हम ट्रेन में आ चुके हैं और ये पूरा कैबिन ही हमारा है, ये सीटें भी हमारी हैं, ये सीटें हमारी हैं, और मैं तो भाई लेट गया हूँ मजे से। एंड अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हम पहुँच जाएंगे, हम से निकलेंगे सीधा घर के लिए, तो ये ट्रैवलिंग लोग होने वाला एक तरह का। गाइस ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन पे, एंड यहाँ से हम निकलेंगे सीधा अपने घरों के लिए। और बस आ चुकी है एक, ये लगी है हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, एंड एक वो लगी है इसी साइड आ रही है, और बाकी सारे आ चुके हैं। हेलो महक, बुरी हालत हो चुकी है ना,
सीधा आप घर जाके सो जाना है। आ गई भाई बस भी आ गई, HP Santhi H3120। ये अक्षु भाई चलो फिर बैठो बस में, गाने गुने सुनते जाते हैं। देखो गाइस इतनी गर्मी हो चुकी है कि बंदे खज्जल हो चुके हैं, सामान रख रहे हैं, मैंने तो ये रख लिया अपना सामान एंड बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे है जिन्होंने उतर जाना उनका सामान यहाँ पे है और बाकी डिग्गी में डाला पीछे एंड देखते हैं आप गाने गुड़े लगाते हैं। और धूप देखो गाइस चमकती धूप है एंड बस आप घर पहुँच जाएँ किसी भी हालत में, अपना शहर अपना शहर ही होता है गाइस बोलने को। तो वो मिलता आपको फिर मैं थोड़ी देर बाद। HRTC का सनरूफ खुल चुका है, चलो 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 ऊपर ही रहेगी ना, इसको चढ़ा दो फिर बंद कर दो। ये देखो गाइस ये होते हैं गर्म इलाके के जाने के साइड इफेक्ट। सिमरन बलोरी ने थोड़ी बस की थी और उसकी भरपाई करेगी सिमरन बलोरी, करेगी ना, करेगी ना, करेगी। तो जैसे कि आपने अभी तक हमारे सारे व्लॉग्स में देखा कि कैसे हम एजुकेशनल टूर के 7 दिन राजस्थान में काटते हैं और क्या क्या कलोले हमारे साथ होती है, तो अब मैं आपको कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहूंगा। मैं सच बोलूं तो ये एजुकेशनल टूर मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, चाहे हम इस ट्रिप में गर्मी से कितने ही परेशान हुए हों, लेकिन ये गर्मी भी जन्नत की गर्मी जैसी लगेगी। जब हम इस ट्रिप को याद करेंगे तो ये गर्मी भी हमें ठंड का एहसास दिलाएगी। शायद इस यात्रा में बिताए कुछ पल दोस्तों के साथ मुझे हमेशा याद रहेंगे और मेरे हिसाब से ये शहर, ये सुंदर जगहें, स्वादिष्ट खाना, एक समय तक सब कुछ भूल जाएगा। याद रह जाएगा वो लोग जिनसे हम मिले और उनके साथ बिताए गए कुछ हसीन पल। तो चलिए अब सीरीज का अंत करते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नए कंटेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि आगे बड़ा कुछ धमाकेदार आने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना काफी, मिलते हैं जल्दी।